नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। आज सुबह दूसरे दिन मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में दूरदराज से सैकड़ों की संख्या में आए फरियादियों से एक एक कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी बातों को सुना और मामले का त्वरित निस्तारण करने के लिए मौके पर मौजूदा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा तिलहर में रेलवे क्रॉसिंग पर बनाए जा रहे उपरिगामी सेतु और लोक निर्माण विभाग की करीब 4000 से ज्यादा लाख की लागत से संयुक्त 24 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद द्वारा किया गया है। इस मौके पर अपने संबोधन में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चहुओं सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सभी जनपदों में समान रूप से विकास को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार गति दे रही है। प्रदेश में विभिन्न एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रगति पर है। सड़क पर मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है, जिसके बिना किसी प्रदेश का विकास संभव नहीं है। हम प्रदेश में निवेश को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, निवेशकों को अच्छी कनेक्टिविटी देने के लिए अपने विभाग माध्यम से पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। हम समय समय पर प्रदेश में विभाग की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा कर कार्य की प्रगति को जानते रहेंगे। हम जब भी जिलों में भ्रमण करते हैं, हम परियोजनाओं को देखकर उसकी गुणवत्ता और समय सीमा की समीक्षा अवश्य करते हैं, ताकि गुणवत्तापूर्ण ढंग से सभी परियोजनाओं को समय से पूरा किया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों और पुलों के निर्माण में कभी भी धन की कोई कमी सरकार नहीं आने देगी। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश का एक आदर्श मार्गो वाला प्रदेश बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र में सरकार हो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली या आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी वाली, दोनों डबल इंजन सरकार बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे और बड़ी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, और दूसरी तरफ सरकार प्रतिबद्ध है कि गांव तक की सड़कें और घरों तक की जो ग्रामीण इलाकों पे हैं, उसके लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है कि उनको सुदृढ़ बनाया जाएगा। और मैंने अभी भी विभाग के सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नई परियोजनाएं समय सीमा पर लागू हों, गुणवत्ता के आधार पर हों। मुजफ्फरनगर स्थित एक बैंकेट हॉल में आजाद समाज पार्टी ने भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया। भाईचारा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रशेखर आजाद ने सैकड़ों लोगों को पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कराई है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयानों से बीजेपी के खेमे में हलचल मचा दी। आपको बता दें कि अध्यक्षता में विपिन बालियान सहित मुजफ्फरनगर के कई ग्राम प्रधानों ने आजाद समाज पार्टी का हाथ थामा तो उनके समर्थन में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर यहां के ग्राम प्रधानों के साथ कोई अन्याय होगा तो उनके समर्थन में हम खड़े हैं, ये बात याद रखना, और हम हर लड़ाई लड़ना जानते हैं। सम्मेलन को संबोधित करते समय लाइट चली गई तो उन्होंने जमकर प्रदेश की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार 24 घंटे बिजली देने का दावा करती है और यहाँ 1 घंटे में 4 बार लाइट चली गई है। उन्होंने कहा कि 4 बार तो लाइट गई, उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार भी जाएगी, याद रखना। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 2013 में जो यहां से बंटवारा चला उसकी वजह से ऐसे लोग सरकार में बैठ गए जिनकी आज रोटी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम भाईचारे यहां से मजबूत कर देंगे तो मुजफ्फरनगर, जिसकी पहचान है, तो भाजपा की यहां से पूरी तरीके से खात्मा शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लड़ाई ना हक की है, अधिकार की है, ना जातियों की। जब भी कोई अपने हक के अधिकार के लड़ता है उस पर हमले होते रहेंगे। लाइट के जाने से प्रोग्राम खराब नहीं होगा, खराब तब होगा जब मेरी बात को आप यहाँ से सुन के और घर जाके उस पे अमल नहीं करोगे तो जाके जो है बात बनेगी नहीं। अगर आप मेरी बात को सुन के घर जाके इस पे अमल नहीं करोगे, मैं अपने सम्मानित छोटे भाइयों को भी कहूंगा, कुर्सी की ताकत को पहचानो। जिनके पास कुर्सी होती है ना, उनके लोगों को कोई जेल नहीं भिजवाता, ना उनपे झूठे मुकदमे होते हैं। प्रयागराज जिले के महुआमा कस्बा स्थित टीपू सुल्तान की मोबाइल शॉप की दुकान का 27 जुलाई की रात को ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा विभिन्न कंपनियों के कुल 47 मोबाइल फोन चोरी किए गए थे, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। जिसके संबंध में थाना महुआमा में मुकदमा पंजीकृत कर घटना का अनावरण करते हुए पुलिस उपायुक्त गंगानगर द्वारा लगाई गई थाना महुआमा एसओजी गंगानगर की संयुक्त टीम द्वारा 28 घंटे में इसका खुलासा कर दिया गया।
छह अंतरजनपदीय चोरों को चोरी किए गए मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम राजा तिवारी और तमाम बताए जा रहे हैं। फिलहाल इनके पास से मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं और इनके खिलाफ कई थानों में मुकदमे भी दर्ज है। 27 जुलाई 2023 को रात को लगभग 1:30 बजे थाना मोबाइमा क्षेत्र में एक मोबाइल शॉप की दुकान का शटर काट के 47 मोबाइल चोरी कर लिए गए थे, जिनकी लगभग अनुमानित कीमत 10 लाख थी। इसकी सूचना मिलते ही तुरंत थाने पे अभियोग पंजीकृत किया गया और एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें थाने की फोर्स, थाना प्रभारी उसमें उनके निर्देशन में, और इसमें हमारी SOG की टीम और हमारी सर्विलांस की टीम तीनों संयुक्त रूप से काम कर रहे थे। इनके द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया है और 27 घंटे में शत प्रतिशत रिकवरी की गई है। 47 मोबाइल फोन रिकवर कर लिए गए हैं। हरदोई पुलिस ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने 3 चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। इन्होंने 10 दिन पहले मोबाइल फोन और सिलाई की दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ये लोग अन्य जगहों हो रही चोरियों को देखकर अपना लिया हुआ कर्जा उतारने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे, लेकिन पहली चोरी करते ही धर दबोचे गए। लगभग 10 दिन पूर्व थाना बैठापुर में टोडरपुर एक स्थान है, वहाँ पर एक बिजनेसमैन का मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसमें से मोबाइल्स और अन्य सामान चोरी हो गए थे। उसके बगल में एक टेलर की दुकान थी, वहाँ से कुछ कपड़े चोरी हो गए थे। आप अवगत है कि जनपद में चोरी की घटनाओं को देखते हुए ऑपरेशन अलाउट चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज पुलिस को सूचना मिली कि इस घटना से संबंधित लोग माल बेचने के फिराक में है, जहाँ पुलिस ने दबिश दी और हिकमत अमली से 3 चोरों को पकड़ा है। झांसी के मऊरानीपुर के मध्य से निकली सुखनई नदी में जमी जलकुंभी और आसपास के लोगों द्वारा डाला गया कूड़ा कचरा किसी की जान भी ले सकता है। ऊपर से जलकुंभी के कारण पता ही नहीं चलता कि जलकुंभी में पानी है या फिर दलदल है। ऐसी एक घटना रविवार की शाम होते बजे जब मीडिया क्लब के पत्रकारों की नजर एक गाय को दलदल में डूबते पड़ी, तो पत्रकारों और लोगों ने गाय को निकालने के लिए मेहनत मशक्कत की, क्योंकि गाय ऐसी जगह फंसी थी कि वहां से उसका निकल पाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन गाय को बचाने के लिए व्यक्ति ने अपनी जान की परवाह किए बिना बांस के सहारे गाय तक पहुंचा और गाय के गले में रस्सी बांधी। घाट की सीढ़ियों पर खड़े पत्रकारों और लोगों ने धीरे धीरे रस्सी को खींचकर गाय को बाहर निकाला और गाय की जान बची। वहीं नदी के ऊपर सतह पर जमे कीचड़ की वजह से अन्ना जानवर आए दिन नदी के दलदल में फंस जाते हैं। बहराइच कोतवाली नगर क्षेत्र में संचालित एक होटल में रविवार को SDPI डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि उसके सदस्य पहुंचे, सभी मीटिंग करने लगे। इसी जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने होटल में छापेमारी करते हुए 9 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। कोतवाली नगर के रोडवेज बस अड्डे के निकट एक नेता का होटल शेरान का संचालन होता है। होटल में रविवार को प्रदेश के विभिन्न जनपदों से SDPI के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंच गए। इनमें प्रदेश के दूसरे जनपद के भी लोग आए हुए थे। सभी होटल में बैठकर संगठन की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक ब्रह्मा गौड़, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर राजीव सिसोदिया, अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुमार ज्ञानेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, छापेमारी की है। 9 सदस्यों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बरेली में सावन के तीसरे सोमवार को नूरी मस्जिद पर कांवड़ियों के जत्थे पर पत्थरबाजी की गई थी। मामला काफी तनावपूर्ण हो गया था, मगर प्रशासन की सूझबूझ से स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया और करीब 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी जगह पर आज उपद्रवियों की जगह संप्रदाय विशेष की महिलाओं ने मोर्चा संभाला और सड़क पर लेट कर कांवड़ यात्रा का रास्ता रोक दिया, जिससे कांवड़ियों और संप्रदाय विशेष के लोगों के बीच मामला काफी तनावपूर्ण हो गया। खबर शहर में आग की तरफ फैल गई। तुरंत प्रशासनिक अमला, DM, SSP, SP अर्धसैनिक बल मौके पर पहुंचा और कांवड़ियों पर ही SSP प्रभाकर चौधरी के नेतृत्व में लाठीचार्ज कर दिया गया। कांवड़ बज रहे DG को सीज कर दिया गया। तब जाकर संप्रदाय विशेष की महिलाओं ने सड़क को छोड़ दिया, जिससे शहर भर में हिंदू संप्रदाय कांवड़ियों में रोष व्याप्त है, जिसको संज्ञान में लेते हुए प्रदेश की सरकार ने तत्काल प्रभाव से SSP प्रभाकर चौधरी का बरेली से लखनऊ PSC में ट्रांसफर कर दिया और सीतापुर के SSP धुले से सुशील चंद्रभान को बरेली का नया SSP नियुक्त कर दिया। तब जाकर हिंदू संप्रदाय और कांवड़ियों में इस घटना को लेकर शांति उत्पन्न हुई है। खबर लिखी जाने तक मामला पूर्ण रूप से नियंत्रण में हुआ और सोमवार के चौथे दिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। झांसी के थानापुंज क्षेत्र के ग्राम सेसा गांव के सामने NH 27 झांसीपुर कानपुर सड़क पर राष्ट्रीय पक्षी मोर के अज्ञात वाहन से टकराकर मौत हो गई।
वहीं रिंकू महाराज ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को राष्ट्रीय तिरंगे पर लपेटकर सम्मान सहित राष्ट्रीय पक्षी को जमीन में दफनाया। एयरटेल की पुलिस टीम ने बीती रात मुठभेड़ के दौरान 25,000 के नामी गौ तस्कर को किशनपुर अंडरपास के पास से दबोचने में सफलता हासिल की है। उसके एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर वो सवार था और गंजडवारा रोड की तरफ आते हुए दो व्यक्ति को पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया तो बाइक सवारों द्वारा भागने की कोशिश की गई। पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग की और 25,000 के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की बाइक बरामद हुई है, तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस खोखे और जिंदा कारतूस ढेर सारा बरामद हुआ है और इस पूरे गैंग के विरुद्ध हमने गैंगस्टर की कार्रवाई भी करनी है। NSA की कार्रवाई की प्रक्रिया प्रचलित है और ये बहुत ही शातिर अपराधी है। वही मंदिर से कब्जा हटाने को लेकर दो पक्षों में टकराव हो गया। कब्जा हटवाने के पहुंचे थे बजरंग दल के कार्यकर्ता। आपको बता दें कि बजरिया थाना क्षेत्र के लुधौरा इलाके की यह घटना है। बजरिया थाना समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में नारेबाजी हो रही है। पुलिस अधिकारी दोनों पक्षों को समझाने में जुटे हुए नजर आए। प्राप्त हुई थी एक लड़ाई झगड़े की, इस पर तत्काल हमारे जो सर्कल का जो फोर्स था ACP और आसपास के जो सर्कल का फोर्स था वो तत्काल वहाँ पहुँच गया था। हम लोगों ने जांच करी वहाँ पे, इस प्रकार की अभी तक कोई चीज़ें नहीं आई हैं। फिर भी हम लोग आसपास के CCTV फुटेज और वीडियोज़ देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कौन लोग आए थे और क्या वहाँ पे विवाद हुआ था, किस वजह से विवाद हुआ था, उसकी पूरी जानकारी की जा रही है। जो भी सही होगा और जो भी न्यायसंगत होगा पूरी कार्रवाई करी जाएगी। पर्यटक के मरहरा इलाके में 3 बाइक सवार बदमाशों ने 2,00,000 रुपए की लूट की है। बदमाशों द्वारा 2,00,000 की लूट के बाद इलाकाई पुलिस में हड़कंप मच गया। बाइक सवार 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। तमंचे के नोक पर बैग लूटा है, मिनी बाइक संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। लिटेरू की एटा पुलिस को खुली चुनौती मिली है। एक तरफ 25,000 के नामियों को दबोचने का सुखद एहसास मिला तो दूसरी तरफ 2,00,000 की लूट की चुनौती भी मिली है। थाना मरहरा क्षेत्र के हजारा नहर के निकट मिनी स्टेट बैंक की ब्रांच चलाने वाले मरहरा के निवासी रविन्द्र पाल सिंह से लगभग 2,00,000 रुपए 25,000 की लूट यहाँ पर की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मैं आ रहा था अपने ऑफिस से, हाँ दीदी तो रास्ते में मेरी गाड़ी उठी और उन्होंने गिरा दिया और जो है मेरा बैग, हाँ दीदी रुपये रखा हुआ था और 2,00,000 रुपये, अच्छा, और जो है मेरा मोबाइल और मेरा एक वॉलेट जिसमें लगभग 16,000-17,000 उसमें भी था, सब लूट के ले जाऊँगा। मेरी गाड़ी की चाबी तक निकाल के ले जाता हूँ। अच्छा, आपकी CSC कहाँ पर है? ये है मेरा SC में है, ईटा रोड पर है, 9 चौराहे। कानपुर युवा व्यापार मंडल के चेयरमैन संदीप जैन टीम द्वारा भारत सरकार के व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जीवराज जैन को चांदी का मुकुट पहनाकर अभिनंदन और स्वागत किया गया। वहीं चेयरमैन संदीप जैन ने कहा कि अब समय है कानपुर को पुनः उद्योग नगरी से सजाने का, क्योंकि अब वो मोदी योगी की सरकार है जहां व्यापारी को दिल्ली नहीं जाना पड़ता बल्कि सरकार व्यापारी के पास आ रही है। बोचन चैम्बर में हो रहे कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा, चेयरमैन मणिकांत जैन, अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महामंत्री कृपाशंकर, कोषाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, संयोजक टीकम चंद जैन तमाम लोग उपस्थित रहे। हम सब इस व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत, अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता, उस बात का भी सभी ने समर्थन किया और इसी क्रम में आज मेरा ये नियुक्ति के बाद नवा राज्य है जहां पर इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे भारत में ऐसे व्यापारी सम्मेलन करके जन जागृति लाके और भारत सरकार की इस भावना को हम सभी लोगों के बीच में रख रहे हैं और समर्थन ऐसा मिल रहा है जिससे ये कि मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में व्यापारियों की छोटी मोटी समस्याओं का समाधान और निस्तारण करने का एक बहुत बड़ा जरिया बना है। वही कानपुर में किशोरी को स्कूल के बाहर से अगवा कर गैंगरेप किया गया है। इलाके के ही 3 युवकों पर बंधक बनाकर गैंगरेप करने का आरोप लग रहा है। नशीला पदार्थ पिलाकर किशोरी को बंधक बनाकर आरोपी स्कूल के बाहर से अगवा कर ले गए। आरोप है कि स्थानीय थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कानपुर के DCP साउथ से किशोरी परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। बीते दिनों गुजैनी थाना क्षेत्र में स्कूल के बाहर से किशोरी गायब हुई थी। मामला किडनैपिंग का है। 3 लोगों ने आपको किडनैप किया था, कहाँ ले गए थे? हमें 3 लोगों ने किडनैप किया था, सोनू, कल्लू, राम जी। क्या है पूरी घटना, क्या है, कहाँ जा रही थी, क्या हुआ, क्या है पूरी घटना?
मैं अपने भाई के साथ स्कूल जा रही थी सुबह 7:20 पे 18 तारीख को, और जब मेरी स्कूल की एंट्री हो रही थी तुम कल्लू आया कहता है तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया जल्दी चलो मेरे साथ पे, और जब मैं उसके रिक्शे पर उसके साथ पे बैठी थी तो उसके साथ पे दो लड़के बाद में वो बैठे थे, फिर उसको पता नहीं मेरे को क्या सुंगा दें तो मेरे कुछ भी होश नहीं था। वही अलीगढ़ में स्कॉर्पियो से घर जा रहे हिस्ट्री शीटर और बसपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात दो बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। पूरा मामला गभाना थाना इलाके के NH-19 का है। थाना गभाना के कनोई कट पर आज मध्य रात्रि के करीब एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मौके पर जाकर जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि थाना लोधा में एक होटल पे इनॉग्रेशन का प्रोग्राम था, वहां पर मृतक का एक पंकज नामक व्यक्ति के साथ में कुछ वाद विवाद हुआ था, उसी के बाद यह घटना कारित की गई है। इस घटना के पूर्व 3-4 दिन पूर्व भी मृतक का पंकज नामक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। साथ ही साथ जो मृतक है थाना जमा से हिस्ट्री शीटर भी है, साथ ही साथ इसके अन्य आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। आज हम आपको चैनल के माध्यम से दर्शकों को और खासकर छात्रों को एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो एक सीख भी देती है। एक युवक द्वारा आज से 26 साल पहले इंटरमीडिएट परीक्षा देते समय एक गलती की गई थी और आज भी वो नासमझी में की गई गलती की सजा भुगत रहा है। 1947 से लगातार न्यायालय में पेशी पर तारीखे पर आता है और सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि उसका भविष्य ही खराब हो गया। युवक 12वीं में अपने कॉपी लेकर भाग आया था और उसको जला दिया था, जिसके बाद उसे सजा हो गई तो जो आज भी चल रही है। गोरखपुर जिले के शाहपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है जो बुजुर्गों को निशाना बनाकर उनके सोने के आभूषणों को लूटकर फरार हो जाता था। ये शातिर लुटेरा पहले बुजुर्ग महिलाओं के पास जाकर उनसे पूछता था और जब उसका निशाना सही बैठ जाता था तो उन्हें धक्का देकर उनसे लूट की घटना को अंजाम दिया करता था। बीते दिनों इसने शाहपुर थाना क्षेत्र के श्रीराम चौराहा बाईपास के पास सुबह टहलने निकले एक बुजुर्ग महिला को बुलाया, उससे बातचीत की और उस महिला को धक्का दिया, उससे सोने की चेन लूट ली और फरार हो गया। हालांकि पूरा वाक्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है सीसीटीवी के माध्यम से, साथ ही साथ इसके अन्य साथी हैं या किस गिरोह का है इसकी भी जाँच पड़ताल की जा रही है। अलीगढ़ के खैर कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 दिन से हुई तेज बारिश के चलते ग्राम सभा रंजीत खड़ी के माजरा खेड़िया बुजुर्ग में 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने से मकान में 2 भैंसे और 1 गौवंश मलबे में दब गए। गांव खेड़ी बुजुर्ग के निवासी बिरजू ने बताया कि हादसे के समय वो परिवार से एक मकान के बाहर थे। ग्रामीणों की मदद से मलबे में दबे पशुओं को निकाला गया है। मलबा ऊपर गिरने से एक पूरी तरह से भैंस घायल हो गई है। सूचना पर राजस्व टीम और पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया है। जो भी नुकसान हुआ है उसका आंकलन भी किया जा रहा है, साथ ही साथ आश्वासन भी पीड़ितों को दिया गया है। चंपावत के टनकपुर राज्य परिवहन निगम डिपो और लोहाघाट डिपो में कार्यरत संविदा कर्मियों ने उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ के बैनर तले भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हर्षवर्धन सिंह रावत के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। संविदा कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सुविधाएं दिए जाने की मांग की गई है। कर्मचारियों का कहना है कि चंपावत विधानसभा क्षेत्र में इस तरह से लगातार हम काम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुविधा उन्हें नहीं दी जा रही है। अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करते हुए ऐसे संविदा कर्मचारियों को निःशुल्क इलाज की सुविधा और कर्मचारी राज्य बीमा के समस्त लाभ प्राप्त हो सके इसकी मांग की जा रही है। संविदा कर्मियों का कहना था कि उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के समस्त जिलों और कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश जिलों के कर्मचारियों को ASIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसलिए उनकी मांग है कि चंपावत पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिलों में कार्यरत अल्प वेतनधारी संविदा कर्मचारियों को सुविधा प्रदान की जाए। जिस पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हर्षवर्धन सिंह रावत ने सभी संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांग जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने रखी जाएगी। जो हमारे इस चंपावत जिला क्षेत्र में अभी तक लागू नहीं हो पाया है, जिसको ऑफिस खोलने के लिए आज हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, क्रांति कार्यकारिणी सदस्य श्री हर्षवर्धन रावत जी के माध्यम से यह ज्ञापन भेज रहे हैं। साथ में जो हमारे वर्कशॉप में तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो रही है पिछले 5-7 वर्षों से, जिससे कि बस के मेंटेनेंस में बड़ी परेशानी आ रही है। सुविधा हो, विशेष श्रेणी के रूप में हो या रेगुलर हो, वर्कशॉप की नियुक्तियां खुली जाएं, ये भी हमारी मांग रहेगी मुख्यमंत्री जी से। कर्मचारी मजदूर संघ की कुछ समस्याएं थी जिसमें ESI का मैथेटिक बहुत समय से लंबित पड़ा है।
इस विषय पर जब उनके बारे में ज्ञापन देने का विषय आया तो मैंने कहा कि ज्ञापन देने के लिए मैं खुद ही आपके पास आऊँगा। तो मैं आज इनके यहाँ कार्यालय पर आया हूँ और ये संबंधित जो भी विषय है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके संज्ञान में डालूंगा और उनसे मुझे पूरी भरोसा है कि बहुत जल्दी इस विषय का निराकरण हो जाएगा। लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन यही निर्माण कार्य अब लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। ठेकेदार की मनमानी के आगे जनप्रतिनिधि और सरकारी नुमाइंदे नतमस्तक बने हुए हैं। फ्लाईओवर निर्माण कार्य पूरा होने के नाम पर तारीख मिल रही है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा फ्लाईओवर निर्माण कार्य की नींव रखी गई थी और उसकी नींव को रखते ही जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने श्रेय भी खूब लिया, लेकिन अब वो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लोगों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार इस फ्लाईओवर निर्माण कार्य को कराने में असमर्थ दिखाई दे रही है। स्थानीय अधिकारियों के साथ चुने हुए जनप्रतिनिधि ठेकेदार के सामने बौने साबित हो रहे हैं। ठेकेदार से ओवरब्रिज का काम जल्द से जल्द कंप्लीट कराना अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए लोहे के चने चबाना जैसा हो गया है। हालांकि ठेकेदार और जनप्रतिनिधियों के बीच मीटिंग और भी लगातार जारी है, लेकिन मीटिंग में सिर्फ ठेकेदार द्वारा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा कराने के लिए वादों पर वादे हो रहा है, जिसको लेकर अब काशीपुर में राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। काशीपुर महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा नेता तो बॉलीवुड के सुपरहिट सनी देओल की दामिनी फिल्म का डायलॉग याद दिला रहे हैं, तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख दे रहे हैं। फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को लेकर कांग्रेसी भाजपा का प्रभाव सत्ता का दुरुपयोग बता रहे हैं। कांग्रेसी नेता मनोज राय का कहना है कि फ्लाईओवर निर्माण ठीक से नहीं चल रहा है, मनमानी ढंग से फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। चुनाव के समय फ्लाईओवर निर्माण कार्य पूरा होगा ताकि जनता के बीच जाकर फ्लाईओवर के नाम पर वोट भाजपा बटोर सके। तो एक ही डायलॉग याद आता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इसका तारीख का कोई फिक्स तारीख ही नहीं निकल पा रही है, किस समय किस तारीख पे किस मौसम में ये फ्लाईओवर बनके इसका निर्माण हो। इससे आम जनता के लिए ये इतना जी का जंजाल बन चुका है आज की डेट में कि जो फ्लाईओवर के पास दुकानें थी उनका काम बिल्कुल ठप हो चुका है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।